शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कसौली निर्वाचन क्षेत्र के कुमारहट्टी और धर्मपुर बाजार में डोर टू डोर प्रचार किया, जहां कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जबरदस्त स्वागत किया। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कुमारहट्टी और धर्मपुर बाजार में हर दुकान में जाकर जन समर्थन जुटाया। यही नहीं, भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने धर्मपुर और कुमारहट्टी में घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे। इस दौरान लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन मिला। इस प्रचार अभियान में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल और उत्तराखंड से आए प्रभारी महेंद्र भट्ट भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश में भाजपा 4 में से 4 और देश में 400 से अधिक सीट जीतकर एक नया इतिहास रचेगी। उन्होंने बताया कि शिमला संसदीय क्षेत्र में 5 साल में हुए चहुमुखी विकास के दम पर बीजेपी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश है, एनर्जी है, उत्साह है, आपके सामने ही है। आज कसौली विधानसभा क्षेत्र में यहाँ कुमारहट्टी में डोर टू डोर प्रचार हो रहा है और एक ही बात है कि हर कोई मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आश्वस्त है। सभी लोगों के अंदर एक ही बात है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार और मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को 9 बजे चौगान मैदान में पधार रहे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। और जब हिमाचल प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मोदी जी थे तब उनका जिला सिरमौर का पहला प्रवास, उस समय उनका कई प्रवास हुए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पहला प्रवास जिला सिरमौर का है। और जिला सिरमौर, जिला सोलन और जिला शिमला के लोगों में भारी उत्साह है। सभी लोग भारी उत्साह के साथ माननीय मोदी जी का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत अभिनंदन करने के लिए तैयार बैठे। चुनावी करने की कोई बात ही नहीं है, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और भरपूर समर्थन मिल रहा है, इसलिए धड़कने बढ़ने का कोई सवाल नहीं है। बहुत अच्छा रिस्पांस है, पब्लिक चाह रही है और पब्लिक हर कोई आज बच्चा बच्चा कहता कि अब की बार तो 400 पार निश्चित रूप से होगा और तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे, हिमाचल की 4 सीटें भी जीतेंगे और शिमला सीट को भी 4थी बार जीतेंगे। पंजाब केसरी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।